हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड ये रीडिंग होगा आपका अप्रैल फर्स्ट हाफ के लिए एक्वेरियस। हम लोग देखेंगे आप यूनिवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। विल सी आपका करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका लव लाइफ एंड ऑल्सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेट अस सी योर लव सिचुएशन। ओके, लेट अस सी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन या फिर करंट एनर्जीज, जो भी आप बोलना चाहो इसे। ओके, सी एक्वेरियस क्या जान सकते हैं। शुरू करते हैं आपके लव मैसेजेस से। वाओ, वी हैव द डेथ एनर्जी, सो स्कॉर्पियो एनर्जी। We have the Four of Swords and the Ace of Swords. For some Aquariuses, आप stuck. आप kind of stuck feel कर रहे हो किसी ऐसे situation में जो आप sure नहीं हो जिसका आखिरी conclusion क्या हुआ है या क्या होगा। मुझे यहाँ पे permanent ending नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि situation permanently end हुआ है। At least अगर end हुआ भी है, आप उसे permanent तो नहीं मानते हो। बिकॉज आई सी दैट आप कुछ काइंड ऑफ, या तो आप इस पर्सन को थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, या तो आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। अगर ये आपके कोई क्रश टाइप के इंसान है या अगर आप सिंगल हो, आई सी दैट आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे इस दौरान। आप काइंड ऑफ लाइक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे व्हेन इट कम्स टू लव, या फिर कुछ ऐसे साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स में जहाँ पे मे बी आप किसी के साथ मैच कर रहे हो या आप काइंड ऑफ बस अपने लिए एक मैच ढूंढ रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग जो कुछ लोग यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो एक्वेरियसेस। अदर्स आई सी दैट कुछ लोग अभी भी स्टक हो किसी पास सिचुएशन में किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपके लाइफ में कम्प्लीटली है नहीं। लाइक मे बी आपके लाइफ में है बट काइंड ऑफ ये आते जाते रहते हैं, काइंड ऑफ ये स्टेबल नहीं है, काइंड ऑफ आपको कोई लाइक आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है दैट ये पर्सन क्या चाहते हैं या ये कनेक्शन किस जगह से ये कनेक्शन किस जगह पे पहुंच रहा है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जब बात आती है लव की। देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जो आप काइंड ऑफ इस पर्सन को देख के आपको लगता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये काइंड ऑफ एक रिकन्सिलिएशन है जिसका आपको इंतज़ार है, रिकन्सिलिएशन है जो आपको चाहिए। बिकॉज जो भी एंडिंग हुआ है आप उसे मानना नहीं चाहते, आप उसे काइंड ऑफ आपको लगता है अभी भी स्टोरी कहानी बाकी है, अभी भी सब कुछ ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी कुछ ऐसे जवाब है जो आपको मिलना बाकी है, या फिर कुछ ऐसे जवाब है जो आप इस पर्सन को देना चाहते हो। लेट अस सी दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द डेविल, द वर्ल्ड एंड द टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके लिए चार कार्ड्स आए हैं, इट्स नाइस। वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। आई सी हियर दैट एक्वेरियस ये पर्सन अभी भी अट्रैक्टेड है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। कुछ लोगों के लिए मे बी ये किसी और सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मैरिड है या उनका करियर सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम, जो भी है। आई स्टिल सी दैट यहाँ पे वो इस लगाव को महसूस करते हैं, चाहे आपके लाइफ में इस वक्त है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट आई सी दैट इस पर्सन के मन में कुछ एक टाइप का डर है जो बैठ गया है इस कनेक्शन को लेके, जिस वजह से वो एक्शन लेने में डरते हैं या फिर वो कोई भी कमिटमेंट करने से डरते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कमिटमेंट फोबिया है या कमिटमेंट करने का डर है, मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक डर है।
सो फैमिली का डर, या फिर मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जिस वजह से उनको डर है, मे बी उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आप पे जिस वजह से डर है, बट आई सी दैट कोई एक फियर है जो उनके मन में बैठ गया है इस चीज़ को लेके, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि वो काइंड ऑफ 100% कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या 100% आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, एंड यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ किस्म का एनर्जी रह गया है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड आप देख रहे हो आपके पर्सन बस दूर भाग रहे हैं सिचुएशन से. सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली. बट आई ऑल्सो सी दैट ये सिचुएशन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, देर विल बी अ यूनियन. ठीक है, सो ये सिचुएशन में यूनियन है इन द फ्यूचर, बट इस वक्त आई फील हियर दैट आपके पर्सन डर के भाग रहे हैं, या फिर काइंड ऑफ अपना मुंह छुपा रहे हैं इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, एंड ये काइंड ऑफ इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन की रियलिटी को ये देखना नहीं चाहते हैं, जो एक प्रॉब्लम है, जो एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली बन सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको फोर्स ना करें, बिकॉज ऐसे भी ये पर्सन थोड़े से कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर इस वक्त, एंड वैसे भी ये पर्सन थोड़े से लाइक क्लियर माइंड के नहीं है इस वक्त. सो प्रोन है कि ये गलत डिसीशंस ले ले अगर ये प्रॉपरली ना सोच समझ के एक्शन ले. सो इस पर्सन को अपना टाइम दो आई फील, बिकॉज आई सी ऐसे भी यहाँ पे यूनियन है. सो ऐसे भी आप दोनों को फिर मिलना है, फिर से बात होनी है, एंड सिचुएशन सॉल्व हो तब ना हो वो बाद का बात है, बट सिचुएशन अभी भी उस हैंगमैन सिचुएशन में है. सो आई डोंट सी कि यहाँ पे कोई परमानेंट एंडिंग हुआ है. अगर मैं जोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, कैंसर, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ओके, सो लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन में क्या देख सकते हैं. वी हैव लाइफ एक्सपीरियंस, ओके, सेवन ऑफ विंटर, टू ऑफ ऑटम, फाइव ऑफ ऑटम. आई सी दैट, आई सी एक डिसएग्रीमेंट जो हो सकता है आपके और आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास के लोगों के बारे में. आप कुछ करना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आप डरे हुए हो दैट क्या ये काम में आप सफल होंगे, क्या ये काम करके आपको सक्सेस मिलेगा, क्या ये लाइन ऑफ एडुकेशन आपके लिए सही है, क्या आपका पैसा आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ है, लाइक आइडिया तो है बट उस आइडिया को काम पे कैसे लगाना है या काम पे लगाना सही होगा भी या नहीं, वो सवाल पैदा हुआ है. नाउ आई सी दैट देर आर टू ऑप्शंस आपके लिए, या तो आप खुद के लिए स्टैंड ले, या तो आप वो करें जो दूसरे लोग आपको कह रहे हैं करने के लिए, बिकॉज आई सी दैट एक डिसएग्रीमेंट होना है एक जगह पे आके. देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट कि आपको कुछ कहा जा रहा है एंड आपका कुछ और मन है करने का, एंड ये रोज़ के दिन में भी हो सकता है कि आपको मे बी आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, मे बी आपको अपना आपका जो बॉस है ऑफिस में वो फोर्स कर रहे हैं, वो आपकी बात मानना नहीं चाहते, वो आपके प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं. सो दिस कैन बी देयर, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है जानना इज दैट आपको सिचुएशन को लाइटली लेना है. अगर आपको कोई ना समझे, अगर आपको कोई सपोर्ट ना करे, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सही हो. अगर आपको पता है आप गलती नहीं कर रहे हो, अगर आपको पता है आप कॉन्फिडेंट हो, देन आई डोंट फील अगर आप एक एडल्ट हो देन ये ज़रूरी है कि लोग क्या बोल रहे हैं या लोगों के इशारों पर आपको चलना पड़ेगा हमेशा. आई ऑल्सो सी हियर दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जब आप थोड़े से इंडिपेंडेंट फील करोगे. आपके पास वो पैसा होगा जो आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दे सकता है. सो मानो अगर आपका एज कम है, अगर आप स्टूडेंट हो, या अगर आपको जॉब नहीं लगी है, ऐसे आपके हाथों में थोड़ा सा पॉकेट मनी या कहीं ना कहीं से आपको पैसा, सेविंग्स बोलो, जो भी बोलो, वो रहेगा ताकि आप अपने हिसाब से खर्चा कर रहे हो. अगर आप वर्किंग हो, अगर आप ऑलरेडी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आई सी दैट आप काइंड ऑफ उस इंडिपेंडेंस को यूज़ कर रहे हो. आप कुछ महंगा तोहफा ले रहे हो, आप कुछ कहीं पर जा रहे हो, आप एक वैकेशन प्लान कर रहे हो. सो
जिस दिन आपका मूड ऑफ है, आप काइंड ऑफ बाहर जाके अपने आप को ट्रीट दे रहे हो या आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, सो दिस इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो एंड जो आपको काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस दे रहा है, टेम्प्ररी बोल सकते हो, बट कभी कभी इट्स ओके कि हम लोग खुद को भी स्पेशल ट्रीट करें, हम लोग खुद के लिए भी गिफ्ट्स ले, हम लोग खुद को भी थोड़ा सा यू नो पैम्पर करें. समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स इट्स गुड ऑल्सो. आई ऑल्सो सी हियर दैट ये एक ऐसा मंथ रहेगा करियर फाइनेंसिस वाइज जब आपको अपना सपोर्ट खुद लेना है. जब आई ऑल्सो सी जिनके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी आपको थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ सकता है, दैट आप थोड़ा सा फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यू नो फैमिली में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स को कुछ खरीद के दे रहे हो जो उनको लगेगा जो ज़रूरी है. सो समथिंग जो आप अपने फाइनेंसेस के साथ कर रहे हो बिकॉज आप स्टेबल फील कर रहे हो, बिकॉज आप में वो स्टेबिलिटी है कि आप वो कर पाओ, आपने उस स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने हार्ड वर्क से उस स्टेबिलिटी को पाया है अपनी लाइफ में, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट फाइनेंसेस, बिकॉज उतना फाइनेंसेस आपके हाथों में आपके बैंक में होगा कि आप एक स्टेबल सिचुएशन गुजार पाओ. दूसरा चीज़ दैट वही चीज़ जो मैंने कहा दैट एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है दैट आप कुछ चाहते हो, आप अपने हिसाब से करना चाहते हो एंड दूसरे लोग आप पे कुछ यू नो सौंप रहे हैं कि तुमको ऐसे ही करना है, वैसे करना है, ये वो यू नो. सो वो आपका सिचुएशन है कि आप कौन सा रास्ता लोगे, दूसरों का या खुद का. बट अगर आप खुद का रास्ता लेते हो, आपको एक कॉन्फिडेंट स्टैंड पॉइंट होना चाहिए आपका, एंड आपको बेसिकली अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखो, यू विल सी आपको अपना जवाब मिल जाएगा, ठीक है. जब तक आप सही कर रहे हो एंड आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आई डोंट फील कोई भी इंसान आपके लाइफ में ब्लॉकेज बन सकता है, एंड बना भी तो आप उसे आराम से ओवरकम कर सकते हो, ठीक है. सो दूसरे लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर फोकस करो, आप अपने ऊपर स्टेबिलिटी लाइक आपको दिखेगा वो स्टेबिलिटी, ठीक है. यू विल फील इंडिपेंडेंट, यू विल फील गुड अबाउट इट, ओके. सो लेट अस सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस. वी हैव आर्कएंजल माइकल. यू आर सेफ. एंजल्स स्टैंड क्लोज. सरेंडर योर कंसर्न. अलाउ अ मिरेकल टू आकम. सो एग्जैक्टली, डोंट वरी. जो भी ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, काम का हो, लव लाइफ का हो, फैमिली का हो, हेल्थ इश्यूज का हो, जो भी है, जब तक आप हैंडल कर पा रहे हो इट्स ओके. जब आपको लगेगा कि ये मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही स्ट्रेसिंग है, ये मेरे हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ये मेरे दिमाग के ऊपर बैठ गया है, ये स्ट्रेस, ये टेंशन मुझसे और नहीं लिया जा रहा है, उसको सरेंडर कर दो. फेथ रखो, सरेंडर कर दो, ठीक है. जो नहीं होता कंट्रोल, उसे कंट्रोल मत करो. डोंट डू इट, बिकॉज आई सी कुछ लोगों में ये चीज़ है दैट आप स्ट्रेस के हिसाब से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है तो आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, या कुछ ऐसा हैबिट आपके अंदर आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जो बहुत ही हानिकारक है. सो हर कोई नहीं, बट कुछ लोग यहाँ पे है. द मैसेज दैट आई गॉट वाज कुछ लोग किसी और सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहे हो जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जब आप टेंशन में हो रहे हो, जब यू नो समथिंग इज गेटिंग लो इन योर लाइफ. सो डोंट डू दैट, बिल्कुल वो नहीं करना है. सरेंडर कर दो, हैव फेथ इन द डिवाइन, यू विल सी द चेंज कमिंग. कंट्रोल करने जाओगे और बिगड़ेगा सिचुएशन. ओके, सो वी हैव धर्मा अनफोल्डिंग. रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. आपका डायरेक्शन सही है, ठीक है. कभी कभी हर एक जर्नी में ऊंच नीच होता है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स बोलो, या आप कह सकते हो दैट यू नो कभी कभी हम लोग ब्लॉकेजेस फेस करते हैं. हमेशा रास्ता स्मूद नहीं होता है, लाइफ का जर्नी स्मूद नहीं होता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग चलते रहे एंड वी डू नॉट स्टॉप, या हम लोग गिव अप ना कर दे, या पीछे मुड़ के ना देखे, या हाल ना छोड़ दे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग चलते रहे एंड यू विल सी एक टाइम आएगा जब यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, राइट. ऑल्सो आई फील कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो, कुछ लोग कोई लाइफ पाथ है जिसे आप फॉलो कर रहे हो एंड आपको पता है ये लाइफ पाथ क्या है. आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पे हो जो अवेकन्ड हो. ओके, सो वी हैव असेंशन. वाओ, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. सो एग्जैक्टली, लाइक आपके अंदर कुछ पावर्स है, आपका इंट्यूशन बोलो, आपका इंटेलिजेंस बोलो, आपका लॉयल्टी बोलो, आपका माइंडसेट, आपके अंदर पॉजिटिविटी, जो भी है, कुछ ना कुछ पावर्स है जिसे यूज़ करो. यू नो पावर्स है, यूज़ करो, डू इट.
बिकॉज ये आपको भी हेल्प करेगा यानी आपके आसपास के लोगों को भी हेल्प करेगा. सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आप ब्लेस्ड हो, आप सही डायरेक्शन में हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग. बट कभी कभी लगेगा दैट हाँ ये ब्लॉकेज है, हाँ ये थोड़ा सा लो टाइम चल रहा है मेरा, हाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बट ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है बिकॉज एज अ ह्यूमन बींग लाइफ कभी भी एकदम यू नो स्मूद एंड अमेजिंग हमेशा हैप्पीनेस से भरा हुआ नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है. जो इंसान ये कहता है मेरा लाइफ हमेशा परफेक्ट है वो झूठ कहता है, ठीक है. सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड लो टाइम है या जो भी प्रॉब्लम फेस करे उसका सामना करो, आगे बढ़ना है, बस कुछ भी हो जाए बस आगे देखना है. दैट इज़ द एटीट्यूड जो आपको मेंटेन करना है, बाकी सब ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियसेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. अगर आप नए हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई.